साथियों, मैं आपके साथ आज के बजट के डिटेल्स शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे जो पिछले 10 वर्षों में एम्फेसिस दिया है, फोकस दिया है, उसके कारण जो चेंजेस आए हैं वो आप सबके सामने है। और आज के इस बजट से एक बहुत ही बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे का होगा, ऐसा सबका विश्वास है। आप सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले रेलवे के बजट और रेलवे के बारे में होते जब भी बात होती थी, केवल और केवल कुछ नई गाड़ी चालू कर दो, रेलवे की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओ, सेफ्टी को कैसे बढ़ाओ, रेलवे में नई टेक्नोलॉजी को कैसे लाओ, इसके बारे में 10 वर्षों पहले कोई कभी चर्चा भी नहीं होती। आज मोदी जी ने रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जहां मात्र 14,000 करोड़ रुपए का बजट होता था देश में रेलवे का, बजट का सपोर्ट जो होता GBS ग्रॉस बजटरी सपोर्ट होता था, जो उसको 14,000 करोड़ के अमाउंट से बढ़ा के 2,52,000 करोड़ किया है, 2,52,000 करोड़। और इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक ऐड किए, प्रैक्टिकली करीब करीब देश के सभी हिस्सों में इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण बड़ी तेज़ी से हुआ है, और करीब करीब कुछ हिस्सों को छोड़ के सारा ही रेलवे का नेटवर्क इलेक्ट्रिफाई हो गया है, ब्रॉडगेज वाला नेटवर्क। नए टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आई है। आज उसी क्रम में आज के रेलवे बजट में 3 बड़े कॉरिडोर्स का अप्रूवल हुआ है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हाईवे का सिस्टम अप्रूव हुआ था वाजपेयी जी के समय में, वैसा ही मोदी जी ने आज बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट बजट में किया है। करीब 40,000 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक्स बनेंगे 3 कॉरिडोर्स में। इन 3 कॉरिडोर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हाई डेंसिटी रूट्स हैं, जो कि चतुर्भुज की तरह है, क्वाड्रिलेटरल की तरह है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था करीब करीब उसी शेप में है, तो ये अमृत चतुर्भुज बनेगा, जिसमें इस पूरे के पूरे नेटवर्क की 4 लाइनिंग होगी, यानी जहाँ पे 2 लाइन है वहाँ पे 4 लाइनें बनेंगी, कैपेसिटी डबल हो जाएगी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे 6 लाइन्स भी बनेंगी। एक तरीके से देश में आज जो करीब करीब 700 करोड़ लोग रेलवे से ट्रेवल करते हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स के होने के बाद में बहुत आराम से वेटिंग लिस्ट का कोई झमेला नहीं रहेगा, और प्रैक्टिकली 1,000 करोड़ के आसपास लोग ट्रेवल कर पाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने में। 6 से 8 वर्षों का टाइम फ्रेम है ये, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा गया है, एक एक देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक प्रोजेक्ट को केयरफुली सोच समझ के सेलेक्ट किया गया। आप देखिए, जहां 10 साल पहले दिन में एवरीडे करीब 4 किलोमीटर रेलवे के नए ट्रैक होते थे, आज 15 किलोमीटर्स पर डे, 15 किलोमीटर पर डे के नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं, एक अलग पेस है काम करने की। मोदी जी आज 1,300 स्टेशन पे कंप्लीट रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से पुनर्निर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन का, 1,171 करोड़। आज मोदी जी दे रहे हैं 15,554 करोड़, 15,554 करोड़। अगर कंपैरिजन करें परसेंटेज टर्म्स में तो ये 1,300% टाइम्स ज्यादा है, 1,300% ज्यादा है। काम की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हुई है, 58 किलोमीटर्स पर ईयर नए ट्रैक लगते थे आगे महाराष्ट्र में 2009 से 2014 में, अब करीब करीब 400 किलोमीटर एक साल में नए बन रहे हैं, 397 एग्जैक्ट नंबर है, 397 400 हो गया करीब करीब,
करीब करीब 400 किलोमीटर नए ट्रैक्स रेलवे के बन रहे हैं, 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, बाकी 2% जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 80,000 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट रेलवे का महाराष्ट्र में हो रहा है। 126 स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं, अमृत स्टेशन टोटली नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 126 स्टेशन, बड़ा प्रदेश है और बहुत डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बहुत ही जब से श्री शिंदे जी की सरकार आई है तब से प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। कई सारे प्रोजेक्ट जो पहले बंद पड़े थे, रुके हुए थे, वो अब प्रोजेक्ट सब वापस चल पड़े, आगे बढ़ गए। पिछले 10 वर्षों में 816 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस महाराष्ट्र में बने और 117 स्टॉल्स हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की, जहां पे लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन पे एक नया मार्केट मिला है। कई जगह मैं स्वयं गया हूँ और वहां पे सब जगह जो स्टॉल के ओनर्स हैं उन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो कहते हैं कि हमारा सेल्स 8 गुना 10 गुना ऐसा बढ़ गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है, ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रोग्रेस है। कवच की प्रोग्रेस अगर देखें तो कवच में 5 बड़े सब सिस्टम्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है पूरा ट्रैक के साथ, 3040 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लग गया है कवच का, टेलीकॉम के टावर लगते हैं, 269 टेलीकॉम टावर्स लग चुके हैं, स्टेशन्स का पूरा डेटा सेंटर बनता है स्टेशन। तो ऐसे 186 स्टेशन्स पे स्टेशन कवच कहते हैं उसको, पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, डेटा सेंटर होता है, वो बन चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट यानी रेलवे ट्रैक के साथ जो इक्विपमेंट लगना है 827 किलोमीटर का लग चुका है और 170 लोकोमोटिव्स के ऊपर कवच लग चुका है, तो वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। स्टेशंस की बात करें देश भर में 1300 स्टेशंस का टोटली नया रीडेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया में इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम कहीं पर नहीं, 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चल रहा है। और आज जो 3 नए कॉरिडोर अप्रूव हुए उन कॉरिडोर से 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक देश में लगाए जाएंगे, जो कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड दोनों कंबाइन कर दो उतना रेलवे ट्रैक अगले कुछ वर्षों में ऐड किया जाएगा, जिससे कि कैपेसिटी बढ़े। इसमें फ्रेट और पैसेंजर दोनों मूवमेंट रहेंगे और बहुत जैसे अमृत चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तर्ज पे जो बन रहा है उसमें पैसेंजर बहुत बड़ा हाई डेंसिटी पैसेंजर ट्रैफिक।